आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं विष्णु जी और हम मिलके एक्सेल के फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। तो विष्णु जी, हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि फॉर्मेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? फॉर्मेटिंग आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका रीजन ये है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग है तो ऊपर ही है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स है जो कि जनरली लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम इसी ट्रिक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे टेंथ देते हैं, टीएस दिया। जैसे वर्ड में अगर एमएस वर्ड आपने खोल रखा है और एमएस वर्ड में अगर आप देते हैं टीएस लिखते हैं तो ऊपर चला जाता है, चलाता है सर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा टेंथ, ऐसे हमने ने एनडी सेकेंड आरडी, यहां पे कैसे होगा, एक्सेल में कैसे होगा? तो एक्सेल में लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां आता है सुपरस्क्रिप्ट। ओके, जो एरिया आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है, याद रखिएगा एक पूरा सेल नहीं, एक पर्टिकुलर करेक्टर वो करता है। जैसे हमें 10 डिग्री लिखना है तो हमने ओ लिखा, डबल क्लिक करके इस ओ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉन्ट में जाना है और सुपर स्किप करना है। समझे? ओके ओके। अब यही भी एक प्रॉब्लम होती है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आई थिंक बताया था आपको, राइट? नंबर है, अब मुझे इस नंबर पे करना है। तो एक एक सेल में जाके और यहां पे ओ को टाइप करना, और टाइप ही नहीं करना एंड ऊपर लेके जाने, अच्छा सेलेक्ट करके सुपर स्किप करना, तो काफी टिपिकल होगा जब आपके पास कई हजार डेटा होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहीं पे बात आती है फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। तो हम बगल वाले सेल में हम ओ को लिख देते हैं, कॉलम को छोटा कर देते और ये ऊपर और लेफ्ट कर दिया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां पे हम कर देते हैं सुपर स्किप। ओके, और उसके बाद और ज्यादा बेटर दिखाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक एरिया को, फॉर्मेट सेल पे आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, नीचे क्लिक करते हैं, साइड में क्लिक करते हैं, इसको कर बीच में करते हैं, इसको सॉरी इसको करते हैं, जो बीच का है ना सर, इसको नहीं करेंगे। ओके, और बेटर दिखाने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आप इसकी बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दो या फिर ग्रिड लाइन को हटा दो। तो यही ट्रिक्स कहा जाता है, समझ में आया? अच्छा। ठीक है, ओके। अब इसमें आगे बात करूं तो जैसे कि आपको 10 स्क्वायर करना है, तो आप बोलेंगे सर क्या करेंगे, सर 2 लिखेंगे और उसको सुपर स्किप कर देंगे। बट यहां पे भी एक लोचा है, क्योंकि नंबर्स को ये आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे एंटर मारेंगे आपका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नंबर पे वर्क नहीं करता है। तो आप इसको सिंगल बनाएं और फिर इसमें डबल क्लिक करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, समझ गए? ओके ओके। और नीचे करना है, जैसे H2O नीचे करना है, तो 2 को सेलेक्ट करें और सब स्क्रिप्ट कर दें। तो सुपर स्क्रिप्ट ऊपर के लिए होता है, सब स्क्रिप्ट नीचे के लिए होता है। बताइए आपको क्या डाउट है इसमें? ये और एक बार बताइए, ये B4 वाला जो किया था आपने, हाँ सिंगल कोड लगाया और नंबर को लिखा। सिंगल कोड लिखने से नंबर क्या होता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ओके, सिंगल कोड में टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। या फिर अगर ये ना कर सके तो आप यहाँ नंबर फॉर्मेट में आए और इस पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दे, बोथ आर द सेम। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े सर। हाँ जी हाँ जी।
जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, हालांकि रिपोर्ट मान लीजिए होता है, तो रिपोर्ट में कुछ चीज गलत होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पेंसिल से या पेन से क्रॉस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई करेक्टर है, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेल पे आता हूँ, मेल बहुत सारे आते हैं, स्पैम मेल आता है बहुत सारा, मान लीजिए हमने इसी है, यही है हमारा, ठीक है, उठाया इसको कॉपी किया, अब पूरा का पूरा वर्ड मुझे यहां पे रखना है, तो मैंने एक एरिया को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, इसमें डबल क्लिक किया एंड बी पेस्ट, पेस्ट कर दिया सर। हाँ जी, हाँ जी, तो याद रखिएगा मर्ज करने के बाद अगर टेक्स्ट को डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डबल क्लिक, ओके ओके, या ऊपर में क्लिक करेंगे दैन पेस्ट करेंगे, ये भी एक त्रिक वाली बात है। ओके, यहाँ पे इसको रैप कर दिया हमने, यहाँ से रैप कर दिया, इसको यहाँ कर दिया एंड इसको मिडल में कर देता हूँ मैं यहाँ। अब इसमें जैसे कि बहुत सारा है इसमें, तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट साइज छोटा कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें जो रिमोट वर्क है वो वर्ड एक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पेंसिल से है तो आपने उसको पेन है, पेंसिल है तो उसको क्रॉस कर देंगे, हार्ड पेपर पे है तो क्या, या कार्ड, लेकिन एक्सेल में आपको दिखाना है गलत है कैसे, तो उस डबल क्लिक करके उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा, ठीक है, फॉर्मेट सेल में जाइए, यहाँ पे आप कर दीजिए स्ट्राइक थ्रू, और बेटर है तो इसकी कलर को रेड कर दीजिए तो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके, समझे, तो अब देखिए अगर यही चीज अगर नंबर पे कैसे करेंगे, क्योंकि नंबर पे अगर मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूं तो बीच बीच कटेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, पता चल रहा है सर? हाँ, इतना प्रलेवल नहीं है एक्चुअली। तो इस पे क्या करें, तो इसके लिए है कि आप सेम यहाँ बॉर्डर में आ जाए और कलर अलग रख ले, जैसे मैं रेड रख लिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ओके, सो डबल हो गया, ठीक है। F4 से आप F4 प्रेस करेंगे तो लास्ट एक्शन रिपीट होता है। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, अगर सही का निशान लगाना हो तो सही के निशान के लिए आप यहां बॉर्डर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप लोगों का आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात आती है कि ये जो चीजें है फॉन्ट है क्या है, सॉरी ये जो है फॉर्मेट है, फॉर्मेट, और फॉर्मेटिंग कभी भी आपकी प्रॉब्लम को, सॉरी आपकी फॉर्मूले को रीड नहीं करती। मान लीजिए ये फॉर्मेटिंग के बिहाफ पे आपको फिल्टर लगा देना या फिर इसकी कंडीशन लेके कुछ और टाइप कर देना है, सो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी फॉर्मूला इसको रीड नहीं कर पाएगा। ये जस्ट विजिबिलिटी के लिए, प्रिंट आउट के लिए हो सकता है। okay. मैं चाहता हूं कि नहीं ऐसा कुछ हो जिसको हम रीड कर सके, फॉर्मूले लगा सके, फिल्टर लगा सके, सो हम यहाँ पे कैप्स में पी को लिखेंगे और इसी के ऊपर एक बेडिंग टू या बाइंडिंग टू का फॉन्ट होता है। नीचे इसको ड्रैग, तो पी को क्या करेगा इस तरह के टिक के निशान में और क्रॉ और कैप्स में ओ लिखते हैं तो इस तरह का आपको दे देगा क्रॉस का। अब उससे इसके फिल्टर लगाना है आपको, तो आप यहां पे देखिए P और A O के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। चीज कमाल की सर। ओके, मैं आपको नाइस।
एक कंटिन्यूस वीडियो के लिए आप ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब विष्णु जी, मैं अगला प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉन्ट है और फॉन्ट जो है वो पार्ट ऑफ विंडो होता है ना कि पार्ट ऑफ एक्सेल होता है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा फॉन्ट है जिस कुछ ऐसी विंडो के अपडेट है जिसमें इस बाइंडिंग टू का फॉन्ट ही नहीं है, तब क्या करेंगे? उसका मतलब ऑप्शन है कि हम जे कैप्स में जे को लिखेंगे और हमारे पास यहाँ अलाइनमेंट के अंदर में रोटेशन होता है, हम टेक्स्ट को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। माइनस 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया तो कुछ इस तरह का निशान होता है। ओके, जे का सेम है ना सर, लुक लाइक सेम। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो हमने एंगल चेंज किया उसका यही यूज है या कोई और यूज भी है? और यूज भी है, उसके लिए मुझे आपको एक छोटा सा डेटा बनाना होगा। मैं एक अटेंडेंस शीट, मान लीजिए अटेंडेंस शीट बनाता हूँ, आप कहीं और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं मान लीजिए जनवरी का ही बनाता हूँ, इसको मैं पूरा 31 जनवरी तक ले लेता हूं। अभी हो गया, अब इसको मैं फिल्टर वगैरह ये बॉर्डर वगैरह लगा देता हूं, हेडिंग को बोल्ड भी कर देता हूं और थोड़ा सा कलर भी कर देता हूं। डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो फिट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं। प्रॉब्लम है कि इसको हम एक पेज पे प्रिंट नहीं कर सकते। जब हम प्रिंट कमांड देंगे तो एक पेज पे प्रिंट नहीं होगा। आप यहां से मान लीजिए अपना पेपर भी अपना मतलब कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर दे, पेपर सेलेक्ट कर ले लेटर के जगह A4 पे, मार्जिन नॉर्मल से नैरो कर दे, फिर भी आपको आधे महीने का ही शो होगा। हाँ जी बिल्कुल। इसमें दिक्कत क्या है, हमारा डेटा तो सिंपल P है, छोटा ही है, बस कॉलम का हेडिंग बड़ा है ना सर। अब हेडिंग की साइज को हम छोटा करेंगे ऊपर से तो दिक्कत होगा कि रेबल नहीं होगा, रीड नहीं हो पाएगा ना। हाँ जी, तरीका है कि हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके और इसकी अलाइनमेंट को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं। पूरे सीट पे क्लिक किया, जस्ट डबल क्लिक, राइट? हाँ जी, हाँ जी। मैं प्लीज मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐप पे सारे वीडियोस की सीरीज मिलेगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये तो आप बीच में से देख रहे हैं वीडियोस में आप, आपका इंटरनेट बहुत स्लो लगता है। नहीं स्लो नहीं सर, मैंने म्यूट कर दिया था सर, वो एक आ गया था। अभी ठीक है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास रैप का, जैसे मान लीजिए हमने सुजीत कुमार लिखा, सुजीत एंड कुमार, तो आप देखते हैं कुमार आगे जा रहा है, अभी दिख रहा है, अगले सेल में मैं कुछ टाइप कर दूं तो नहीं दिखेगा। सो आई वांट टू कि मैं यहाँ पे दिखे, तो आप लोग करते इसको डबल क्लिक कर देंगे तो कॉलम बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रैप टेक्स करते हैं तो रो बड़ा हो जाएगा। अब रैप टेक्स की बात करते हैं तो टूट जाता है, लेकिन ये तो अपने हिसाब से टूटता है ना सर। हाँ जी, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने, मैं जब चाहूँ तो वहां से तोड़ना चाहूँ, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा और मैं नीचे लिखना चाहता हूँ तो Alt Enter Paste करेंगे, Alt Enter Enter Paste, ओके, Alt Enter Paste करते हैं आपको नीचे दिख जाएगा, देखिए सर। हाँ हाँ हाँ, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, लेकिन जब रैप टेक्स हम करते हैं तो रैप टेक्स करने से क्या होता है कि ये नीचे चीजें नीचे आ जाती है, तो इसे रो बड़ा हो जाता है।
आप डबल फिट करते हैं तो कॉलम बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ रो बड़ा हो ना कॉलम बड़ा हो, जितना बड़ा मेरा साइज है उतने बड़े में फिक्स हो जाए। अलाइनमेंट में इसके लिए यूज होता है श्रिंक टू फिट। ओह श्रिंक टू फिट, ओके। इससे क्या होगा कि एरिया श्रिंक हो जाएगा। और मर्ज तो आपको पता ही है कि हम मर्ज करते हैं। हाँ जी। मर्ज में क्या होता है, एक क्रॉस मर्ज। क्या होता है? क्रॉस मर्ज। क्रॉस मर्ज। क्रॉस मर्ज यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक एक क्रॉस में मर्ज होगा सर। समझ गए? हाँ जी। कोई डाउट सर इसमें? नहीं। दूसरी चीज है कि अगर कुछ चीजें कॉपी करते हो तो आप मर्ज नहीं कर सकते। मैं पेश करते समय कुछ चीजों में दिक्कत होती है मर्ज में, तो आप चेक कर ले कि आप कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए कि सीट है, अगर कोई सीट है आपका, मान लीजिए कोई सीट है और मैं नीचे बहुत नीचे कहीं इस जगह पे दो सेल मर्ज है, यहाँ कहीं दो सेल मर्ज है, ठीक है, आइडेंटिफाई। क्योंकि जब इसमें कॉपी करेंगे या कुछ ऐसा चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है जो मर्ज सेल में नहीं होती है, तो हाउ कैन आइडेंटिफाई कि मर्ज है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपको एक एक सेल देखना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं, मुश्किल है। यहाँ पे क्लिक सीट, पूरी सीट को सिलेक्ट करें, अगर कहीं भी मर्ज होगा ना तो आपका मर्ज एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट नहीं है ना, हाँ क्लिक कीजिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं वापस इसको मर्ज कर दूंगा तो वो सारे सेल अनमर्ज हो जाएंगे। अनमर्ज हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैंने ए सेल मर्ज किया है और हमने सिलेक्शन पूरा कर रखा है तो ये आप मर्ज एक्टिवेट होगा। जब मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड को मर्ज कर देगा, नहीं, वो पहले जो इसके अंदर मर्ज है उसको अनमर्ज करेगा। ओके। अगर पूरा शीट ही सेलेक्ट करेंगे तो आपने खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। अब दूसरी चीज आती है कि अच्छा, आप लोग जब इंटरनेट पे जाते हैं तो ऑटो सजेशन दिखाता है, जैसे देखिए सर्च में दिख रहा है ना सर आपको, हाँ, कंपोज भी करते हैं तो आपका यहाँ दिख रहा है, जब क्लिक करता हूँ तो हट जाता है, क्लिक करता हूँ ना सर क्या? हाँ जी। जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट ये दिख रहा है, ऑटो सजेशन बोलते हैं कि फॉर्म, अब कोई फॉर्म आप बनाते हैं तो फॉर्म में पहले से कोई चीज होती है, जब उस पर आप क्लिक करते हैं और फिर आप टाइप करते तो ठीक है, कुछ टाइप नहीं किया तो फिर वापस वो दिख जाती है। जैसे मान लीजिए ना कि मैं एक फॉर्म बना रहा हूं, मैंने इसको लिया तो थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ, तो जैसे कुछ लोग जो है इसके यहाँ साइड में यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम और यहाँ लिख देंगे सिटी, ठीक। इसको मैं बोल यह कर देता हूँ यहाँ पे करता हूँ, और इसमें और अच्छा बेटर दिखाने के लिए फॉर्मेट सेल में आता हूँ, बॉर्डर और इसकी कलर व्हाइट कर लेता हूँ, व्हाइट और मोटा, एक मिनट फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लैक करता हूँ, पहले मोटा वाला सेलेक्ट कर लिया, देन वाइट। क्या सर? लेकिन मैं नेम यहां है और नेम यहां नहीं दिखे, यहां दिखे, जब टाइप करके नाम मान लीजिए पूजा डाला तो नेम हट गया, फिर जैसे वो रीड करूंगा वापस यहां पे नेम आना चाहिए। अच्छा, तो कुछ नहीं करना आपको, लिखना तो यही पर है, बट इसको प्रोजेक्ट यहां पे कर देना। कैसे? ये आपके पास होता है इंडेंट, इसकी कलर हम व्हाइट कर देते हैं, साइज बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है,
सेम क्वाइट साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से इंडेंट कर। ओ गया लगते कहाँ गया वो? ओ आ गया, व्हाइट था ना इसलिए दिख नहीं रहा था। ठीक है, और इसको छोटा कर दीजिए एकदम। थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा पीछे करना होगा और इस पे करना ना पीछे। हाँ, इसमें अलाइन नहीं कर सकते, सेंटर अलाइन वैसा नहीं कर सकते? नहीं नहीं, इस सेल पे तो टेक्स्ट है नहीं, टेक्स्ट तो इस सेल पे है ना सर? हाँ वो सेल पे है। हाँ 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 समझ गए ना, इसलिए सेंटर लाइन वगैरह नहीं कर सकते। अब देखिए हो गया, अब जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखा लिखता हूँ पूजा, ठीक है सर? अब इस सेल में से अलाइन कर देता हूँ मैं और इसकी कलर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब पूजा को जैसे डिलीट करूंगा नेम आ गया। ओके ठीक है सर, ये कहाँ पे यूज होता है? मीन्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कहाँ पे यूज होता है ऐसे? देखिए इसका यूज मैंने अपने ऑफिस में किया था, मैं अगर स्टोरी सुनाना चाहूँ थोड़ा सा लंबा है, बुरा मत होइएगा। 2008 में रिसेशन चल रहा था, जॉब की दिक्कत थी, तो मैंने अपने मेरा जो कंपनी था एसआरके फिनकॉर्प वो बंद हो गया था, तो हमने एक कंपनी में एज एचआर में हमने ज्वाइन कर लिया था। आपका रिसेशन था, जो जॉब मिली जब हमने ज्वाइन कर लिया, हमने कुछ देखा नहीं कि भाई मैं डेटा एनालिटिक्स में हूँ, MIS में हूँ और मैं एचआर में जा रहा हूँ, मतलब कुछ सीखने को मिलेगा। तो वहां पे मेरा काम क्या था, मेरा काम था डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है? बेसिकली वो कई सारे कंपनी एंड कॉल सेंटर्स के लिए वो बंदे को हायर करते थे, कोई हायर करते थे और उसकी ज्वाइनिंग करते थे, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स, समझिए एक तरह थर्ड पार्टी। तो पर डे जो है 15-20 ज्वाइनिंग होती जाती थी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए। तो मेरा काम था कि जो ज्वाइनिंग के मुझे जो लिस्ट मिलती थी कि कल किसकी किसकी ज्वाइनिंग है, हम उनको फोन करते थे कि कल आपको आना है, कल आपकी ज्वाइनिंग है, डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह बता देता था क्या क्या लाना है। आफ्टर देन मेरा काम था कि वो आए, उनको फॉर्म देते थे, 12-15 पेजों का फॉर्म था, वो फॉर्म फिल करते थे, अपने डॉक्यूमेंट देते थे, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म को हम देखते थे, देन एक एक्सेल शीट पे उसकी डेटा एंट्री करते थे और फिर उस डेटा एंट्री को हम अपने पेरोल टीम को भेजते थे। मेरा काम यही था। फिर टेम्पररी आई कार्ड वगैरह बनवाना, प्रिंट के लिए देना, परमानेंट आई कार्ड का प्रिंट वगैरह भेजना, मेल वगैरह करना, ये चीज़ तो काम था मेरा। तो क्या होती थी कि मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं हैंडराइटिंग रीड नहीं कर पाता था। अब ओके, सर हैंडराइटिंग पढ़ने में दिक्कत होती है मुझे। तो अब बोलो हैंडराइटिंग में लिखते थे, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता था, मैं 2-4-5 दिन तो काम किया, फिर मैं बॉस से बोला कि बॉस ऐसे काम नहीं करेंगे सर, हम स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क करने में बिलीव नहीं करते। बोला भाई 2-4 दिन आए हुए हुए हैं, ये अंग्रेजी पति आ रहा है, क्या हुआ भाई? सर हमें इस प्रोसेस को आपके प्रोसेस को सुधारना है, आपका तरीका गलत है, ये तो वाले काम हो गई, तो लेबर क्लास का काम है। तैश में आ गया, बोला क्या करोगे? बोले मुझे ऑटोमेशन करना है, इसके सारे प्रोसेस को ऑटोमेशन करना है, मेरे काम को ऑटोमेट करना है और मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं सैटरडे एंड संडे छुट्टी के दिन में मैं आ रहा हूँ, मंडे को मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, बस अब अलाउ कीजिए कि सैटरडे एंड संडे आके हम आपका प्रोसेस डिजाइन करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उनके जितने भी फॉर्म्स थे जो वो PDF एंड इस पे वर्ड पे थे, वो सारे फॉर्म को हमने डिजाइन कर दिया एक्सेल शीट में, जैसे कि पेन कार्ड डिजाइनिंग दिखा ना आपने इस पे। अब देखिए अब 12 फॉर्म भरते थे, सारे फॉर्म में इंफॉर्मेशन तो सेम ही होती है ना, है किसी फादर ने मदर ने, किसी मदर ने मांगता है, किसी मदर ने नहीं मांगता, किसी फादर ने मदर ने तीनों मांगता है, समझ रहे? तो इन्फॉर्मेशन सेम ही थी, तो हमने एक सीट पे सारे फॉर्म को इस तरह से लगा दिया, फिर एक डिटेल्स वाली शीट बनाई और हमने बोला कि यहाँ पे यूजर अपना जो भी डिटेल्स, मुझे 12 फॉर्म के लिए जो भी डिटेल चाहिए मैं यहाँ पे 1 by 1
लेता चला गया कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फादर फर्स्ट नेम वगैरह वगैरह। और जैसे वो फिल करता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान फिल कर दिया मान लीजिए सुजीत, तो बारहों फॉर्म में जहां जहां सुजीत जिस पोजीशन में चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सुजीत चाहिए इस पोजीशन में कि एस यू जे इस तरह से, उस तरह से ऑटोमेटिकली फॉर्मूला उसको कैच कर लेता था। हर एक सेल का फॉर्मूला कनेक्टेड था डिटेल शीट से। ओके ठीक है। और जब वो पूरी एंट्री करता था तो मैं बोलता तुम एक बार चेक कर लो, वो अपने की गई एंट्री को चेक कर लेता था। देन मैंने एक बटन बनाया हुआ था सबमिट का, जैसे सबमिट पे क्लिक करता था ऑटोमेटिकली पूरा इंफॉर्मेशन जिस एक्सेल शीट पे मुझे एंट्री करनी होती थी उस पे एक के नीचे एक चला जाता था और सारे पेजेस की प्रिंट आउट निकल जाते थे। और मुझे काम करना होता था, अब जस्ट मुझे अपना डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेक करना होता था, तो जो एक बंदे को डे एक से डेढ़ घंटा लगता था मुझे फाइनल करने में, ज्वाइनिंग फाइनल करने में, उसको मैं करता था मात्र 5 मिनट में, वो भी बिना कुछ काम किए हुए। उसका आई कार्ड का फॉन्ट सबका मेलिंग सब ऑटोमेटिक हो जाता था, जैसे उसे सबमिट पे क्लिक किया वीवी प्रोग्रामिंग सब कुछ कर देता था। जब मंडे को मैं प्रोसेस दिखाया बॉस को तो बोलते दिन से था कहाँ पे तुम, एक ही वर्ड उसके जिम से निकला, इतने दिनों से था कहाँ पे, हमने सेशन था ना इसलिए नहीं आ रहा था, वरना रिसेशन नहीं होता था आप जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मैंने एक जवाब दिया। अब उस समय में जला कि आप अपना जो एक इंटरफेस, ये जो आप अभी जो बताया उसको बोलते इंटरफेस, राइट। जैसे आपने रिपोर्ट बनाया और आप उस रिपोर्ट में चाहते हैं कि भाई आप यहाँ बंदे का नाम लिखो या सिलेक्ट करो, आपको उस बंदे की रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पूजा का पूरा रिपोर्ट, पूरा इंफॉर्मेशन जो चाहिए आपको मिल जाएगा। सिटी, तो इस तरह की जब आप इंटरफेस डिजाइन करेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना सर। हाँ जी हाँ जी। तो उस केसेस में इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके समझ गए। हाँ जी ओके। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो कंडीशन है कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का, बट नंबर फॉर्मेटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो उसको हम अगली क्लास में